पाकिस्तान टीम के प्लेयर यहाँ पे खड़े थे कुछ और कुछ चले गए हैं, ऑब्वियसली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही होगी। तो 200 रन पाकिस्तान ने खाए, इस ग्राउंड का जो हाईएस्ट जो टोटल था वो पाकिस्तान ने यहाँ पे खाया। तो ऑब्वियसली उसके बाद तो मैच जीतना काफ़ी मुश्किल हो ही जाना था, और पाकिस्तान ने लगातार 2-3 मरतबा ये इतना टोटल खाया। वट है तो यहाँ पे ही आना और इतने बड़ी जो पिटाई देखना, फिन एलन जरूर एक बहुत बड़े प्लेयर हैं पर इतने बड़े प्लेयर भी नहीं है कि उनकी जब प्रीवियस जो रिकॉर्ड देखें कि कैसा वो रिकॉर्ड था, तो उसमें उनकी इतनी अच्छी चीज़ नहीं थी वो। और ओवरऑल ये पीछे जो हमारी जो प्रैक्टिस पिचेस वगैरह होती हैं, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो उसका ये ग्राउंड है, आई थिंक हमें वहाँ से घूम के जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको आइडिया दे दें कि यहाँ पे किस तरह सारा चीज़ है। एटमॉस्फेयर आप देख लें यहाँ पे सारा बड़ा बेहतरीन किस्म का आ रहे हैं, बड़ा बेहतरीन। अभी स्टार्ट ही है, सारे क्यू वगैरह लगना शुरू हो चुकी हैं, टिकट्स वगैरह सारी ऑनलाइन होती हैं, कुछ प्रिंट्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो पार्किंग का एज यूजुअल हर जगह इशू होता है, तो ये सारा वहाँ से जाएंगे हम और फर्दर जो भी बैग वैग चेक करेंगे यहाँ। ये एंट्रेंस है यहाँ पे, सारे फूड वगैरह के स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है। मॉर्निंग गाइस, क्या होता है यहाँ पे, न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड के मुताबिक पाकिस्तानी था शायकीन की तादाद भी अच्छी खासी थी, अपने फ्लैग्स के साथ फैमिलीज के साथ एक फैमिली इवेंट के तौर पर आए हुए थे। याद रहे आज यहाँ पे वर्किंग डे था, फिर भी अच्छी खासी शायकीन की तादाद यहाँ पे मौजूद थी जो कि बड़ी खुशायंद थी, और अच्छा खासा सपोर्ट भी था पाकिस्तान के शायकीन। मैच के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेटर्स के वेट करते रहे ताकि ऑटोग्राफ और सेल्फीज वगैरह लें, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एक इसेंशियल एक टेक अवे होता है हर मैच के बाद, मगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने ज़्यादातर ऑब्लाइज नहीं किया और वो बाहर नहीं निकले थे। तो ये पीछे ओटागो का डनीडन वाला जो ग्राउंड है यूनिवर्सिटी ओवल, तो इसमें पाकिस्तान ने अगेन एक रिकॉर्ड जो रन गए, तो यहाँ पे सारे लोग हम आए हुए थे मैच देखने के लिए, तो ऐसा सच कोई अच्छी मैच नहीं हुआ। और ये इनका एक और स्टेडियम है यहाँ पे, तो पाकिस्तान ने थर्ड मरतबा एक रिकॉर्ड यहाँ पे रन गए, बड़ा अच्छा एटमोसफियर था। बच्चे यहाँ पे देखें अभी तक जो कीवी शर्ट्स वगैरह जो पहनी हुई थी वो घूम रहे हैं सारा यहाँ से, ये आप पीछे देख सकते हैं जो ओटागो ओवल की जो बिल्डिंग है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म ग्राउंड था, ग्रास था, छक्कों की जो बारिश थी, फिन एलन ने मारे, फिन एलन ने 3 मरतबा 2-2 बॉलों पे छक्के मारे, हारिस को, शाहीन को, फिर एक और पता नहीं जमान खान को, ये 3 मरतबा मारे। तो इतनी कोई ये बेस्ती वाली बात है कि पाकिस्तान 3 मरतबा लगातार 200 रन पाकिस्तान ने कंसीड किए, पाकिस्तान के बॉलर्स ने कंसीड किए। एक टाइम था कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक था जिसमें नसीम, हारिस, शाहीन और ये शादाब और लिथल ये कहलाता था, आज ये हाल है कि पाकिस्तान की जो टीम है 200 रन वो खा रही है। तो यही वो यहाँ से पाकिस्तान टीम की शायद जो बस गुजरनी है, शायद आपको वो भी दिखाएं कि यहाँ से बस कहाँ से गुजरनी है। और फर्दर जो इम्पोर्टेंट जो पाकिस्तान के जो टास्क थे वो पाकिस्तान एज सच नहीं वो मैच कर सका, तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा आगे देखना है। सीरीज़ ऑलरेडी वो हार चुके हैं और आगे पता नहीं फिर उन्हें क्या करना है। तो इतनी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ थी पाकिस्तान की प्रिपरेशन के लिए, कॉम्बिनेशन जो पाकिस्तान ने सेट करना है आगे उसके लिए, तो ऐसा ना बॉलिंग का कॉम्बिनेशन सेट हो रहा, बैटिंग में जो आज़म खान है, इफ्तिखार अहमद है और फ़खर जमान की 150 है, तो ऐसा चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि इनका क्या करना है। और बॉलिंग की जो कॉम्बिनेशन था, मोहम्मद नवाज़ जल्दी इस मैच में उन्होंने वापस आए, फिर मोहम्मद वसीम ने विकेट ली, फिर जमान खान ने विकेट लिया, तीनों खिलाड़ी जो मैच में नए खिलाड़ी उन्होंने विकेटें तो ली हैं, मगर जो रन जो कंसीड किए, ग्राउंड बड़ा था, इतना बड़ा नहीं था कि इतने छक्के पड़े, तो इसके लिए आपकी जो बुरी बॉलिंग होना भी लाजमी था। तो यहाँ पर पाकिस्तान की बस वस खड़ी हुई यहाँ पर, तो आई डोंट लाइक टू अभी के जाएँ इंक्लूड करें ये वो, तो लेट्स सी।